वेलकम दोस्तों एक के एच बी ए में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एसी सी एक्सपेंसन वाल्व आइस फ्रीजिंग यानी जो भी हमारे इंडोर की बात करेंगे उसकी एक्सपेंशन वाल्व जहाँ भी लगी रहती है एक्सपेंशन वाल्व में इंडोर के तो उसमें आइस फार्मेशन होता है यानी हमारा एक्सपेंशन डिवाइस पर क्या होता है आइस फार्मेशन होता है आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में कितना ये डक्टेबल यूनिट की है डिन की है डेकिन का डक्टेबल यूनिट है इसके पूरे इंडोर में पूरा इवेपोरेटर पर आइस आ जा रहा है और पूरा एक्सपेंशन डिवाइस पर पूरा आइस फार्मेशन हो रहा है तो इसका क्या क्या मेन रीज़न होती है जिससे हमारे ये इंडोर में प्रॉब्लम आते हैं तो हम आज सबको बताएंगे कि इसके बगैर क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे आप इसको सोलूशन के इसको अच्छा कर सकते हैं यानी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी आप अगर कोई नया कंप्रेसर आपने यूज़ किया है तो या रिप्लेसमेंट किया है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कंप्रेसर जो भी हम अगर ओल्ड का जो भी हमारा मॉडल है वो सेम टू सेम होना चाहिए ये नहीं कि आप पिंच पाइप करके लगा देते हैं जैसे भी तैसे कि इनडोर चले तो बाद में प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका ध्यान रखें कि जिस नंबर का जिस मॉडल नंबर का कंप्रेसर आप अगर यूज़ कर रहे हैं रिप्लेसमेंट करने के साथ साथ उसको मॉडल नंबर सेम होना चाहिए सब चीज़ सेम कैपेसिटी की होनी चाहिए दूसरा नंबर आप चेक कर सकते हैं कि गैस का लो होना गैस लो है कि नहीं है ये आप प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे फिर से कूलिंग कॉयल का ब्लॉक होना जो भी हमारा कूलिंग कॉयल है वो आउटडोर हो या इंडोर सबके हमारे चेक करना है कि उसका अच्छा है कि नहीं है फिर से अगर जिसमें इंडोर में अगर ब्लोवर मोटर अगर अच्छा से काम नहीं करेगा तब भी हमारे एक्सपेंशन डिवाइस पर ही पर हमारा क्या होगा आइस का फार्मेशन होगा अगर ब्लोवर मोटर का स्पीड अच्छा नहीं रहेगा तब भी हमारा आइस फार्मेशन आएगा अगर जो भी हमारा ड्रायर फिल्टर का यूज करते हैं जो भी ड्रायर फ़िल्टर हमारा होगा उसको नया जब भी आप कंप्रेसर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपको ड्रायर फ़िल्टर चेंज करना ही करना चाहिए आउटडोर का आपको स्ट्रेनर उसका ड्रायर फिल्टर ये भी चेंज कर देना ही चाहिए इससे और अच्छा रहता है नहीं तो बाद में और प्रॉब्लम आने लगता है फिर से आपको टेम्परेचर देखना है कि थर्मोस्टेट में टेम्परेचर सेट ज़्यादा लो तो नहीं है ये सब भी आपको ध्यान सेटिंग से करना है फिर से अगर थ्री फेस का ब्लोअर मोटर है तो उसकी ब्लोअर मोटर की जो बेल्ट लगी रहती है उस बेल्ट को अच्छे से चेक करना है कि कहीं लूज वूज तो नहीं है ज़्यादा टाइट तो नहीं है तो ये सब आपको बेल्ट में टूटा हुआ तो नहीं है कहीं ब्रेक तो नहीं है बेल्ट में ये सब आपको चेक करना है लास्ट में हमारा क्या होता है एक्सपेंसन एक बॉर्क इतना सब आप चेक करने के बाद जितना मैंने पॉइंट बताया है ये सब चेक करने के बाद भी अगर आप प्रॉब्लम अगर आपके इंडोर में आ रही है आपके आपकेटर में आइस का फार्मेशन हो रहा है तो आपको लास्ट में एक्सपेंशन वाल्व को क्या करना पड़ेगा चे चेंज करना पड़ेगा उसको क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व हमारा क्या हो सकता है कि ब्लॉक हो सकता है लास्ट में फिर से हम थर्मोस्टेट भी का भी प्रॉब्लम हो सके कभी कभी थर्मोस्टेट हमारा क्या होता है अच्छा से सेंस नहीं कर पाता है उसमें जो भी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाता है थर्मोस्टेट का जो अभी हमारा कमांड होता है वो आउटडोर को नहीं मिल पाता है तो ये सब भी थर्मोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है और लास्ट में आपको जो भी हमारा गैस का प्रेशर लो या ज़्यादा गैस का अमाउंट भी चेक करना है कि अगर जो गैस आपने चार्जिंग किया हुआ है तो गैस का चार्जिंग जो किया हुआ है तो गैस का अमाउंट वो ज़्यादा तो नहीं है इंक्रीज तो नहीं हो गया है तो ये सब आपको चेक करना है पीसीबी रिले अगर लगाए हो इंडोर यूनिट में तो उस पीसीबी रिले को भी आपको अच्छे से चेक करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है टेम्परेचर सेंसर जो भी लगा रहता है एयर सेंसर टेम्परेचर सेंसर जो भी लगा रहता है इंडोर में उसको भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है उसकी जैक अच्छा लगा है कि नहीं है जैक अच्छा सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये सारी पॉइंटेज जो भी मैंने बताया थे सारी पॉइंटेज आपको अच्छे से चेक करना है इतना चेक करने के से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इतना करने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा थैंक यू फॉर